इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो प्लेयर हैं आपके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर इस तरीके के लेना है जिस पर ये लिख रहा हो पाइसिकल अटैक। तो ये जो मैं कार्ड बताऊँगा ये इनको ज़्यादा बढ़ाएंगे, पाइसिकल अटैक, डोगेज और ये HP पावर, ये इन तीनों पे बेस्ट कार्ड रहेंगे, जो उनसे की बेस्ट कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे प्लेयर कौन कौन से हैं, हल्के ब्लैक पैंथर है पाइसिकल अटैक का, कैप्टन अमेरिका हुआ, और ये हैं स्पाइडरमैन। और दोस्तों जैसे कि ये हमारे ये प्लेयर है थैनोस, ये भी पाइसिकल अटैक है। जैसे कि ये है थॉर, ये एनर्जी अटैक है। तो इसके लिए ये कार्ड इतने खास नहीं होंगे, वैसे तो ये इन्हें भी पावर देंगे पर इन्हें इतनी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको वो कार्ड। उससे पहले मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दबाएं प्रेस बेल आइकन भी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट कार्ड की। तो दोस्तों बेस्ट कार्ड हैं ये अंटमैन 1 और ये विशिप, एवेंजर्स, स्टार लॉर्ड, ब्लैक वीडो। दोस्तों ये पांच कार्ड ऐसे हैं जिनसे गुड्डों को बहुत ही पावर्स मिलती हैं, पावर्स, एनर्जी, अटैक, ऑल अटैक। और आ जाते हैं ISO पे। दोस्तों ISO ओप है, हमें करना पड़ता है ये 8 जो होते हैं, ये होते हैं यहाँ से रोल वन टाइम, इस पे करने से ये 8 लग जाते हैं। फिर इसी कलर के हमें 8 पत्थर लगाने पड़ते हैं। एक होता है इसके अंदर दोस्तों CTP, ये बेस्ट CTP है ब्लैक पैंथर के लिए, पर दोस्तों ये बहुत ही कम मिलते हैं तो हमें ज़्यादातर इन्हें लगाना पड़ता है। तो ब्लैक पैंथर के लिए जो काम करता वो करता सर्कल डैमेज। तो दोस्तों ये थे वो बेस्ट कार्ड जिन्हें आपको लगाने चाहिए। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे हैं जो फ्यूचर फाइट गेम खेलते हैं पर वो स्टोरी मिशन पूरे पार नहीं कर पाते। तो स्टोरी मिशन जो एसगार्ड चालू होता है जहाँ से, उसके लिए हमें क्या चलता है Tier 2। तो Tier 2 कहाँ से लगाएं मैं वो आपको बता देता हूँ। हमें सभी प्लेयरों के ये मूव जो हैं, ये वाले चरेक्टर ग्रेयर, इन्हें हमें 20-20 करना पड़ता है चारों को। उसके बाद हमें 6 रैंक करने पड़ते हैं इनके स्टार जो हैं, और 6 रेड रैंक, उसके बाद ही इसमें Tier 2 लग पाता है। जैसे कि ये प्लेयर है, अब इसके सब 6 हमें यहाँ से लगाना है। अगर वो हमारे पास होगा तो ये एडवेंचमेंट टिकट, इस पर करने पर लग जाएगा, पर हमें इसकी 20-20 भी करनी पड़ेगी यहाँ से। ये सब 20-20 करनी पड़ेंगे, उसके बाद ही हम Tier 2 लगा पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 150 उसके चेहरे, 300 रेड पत्थर, 800 ये एंटी, और ये 1000, हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, और इन कुछ गोल्ड की, जिससे कि ये लगेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेड चिप की। जैसे कि ये है प्लेयर हमारा स्पाइडरमैन, अगर हम इसमें ये रेड चिप लगाएं जो कि मेरे पास 96 है LV5, अगर ये लगाएं तो ये सिर्फ एक लेवल बढ़ रहा है 51 से सिर्फ 52। पर दोस्तों अगर हम यही चिप बूस्टर लेके लगाएं तो बूस्टर के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले अलायंस में स्टोर, ये रहा एडवेंचर चिप बूस्टर। तो दोस्तों ये आता है 50 कॉइन में। अगर हम इसे ले कर लगाएंगे वो ही रेड चिप तो करीब 2 या 1.5 लेवल भर देगी। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेड चिप इकट्ठी करनी पड़ती है, ताकि ये एक बार ही लेते हैं क्योंकि एक दिन के लिए ही होता है, और उस प्लेयर में लगा दो जिससे कि आपकी 60 लेवल हो जाए। पर दोस्तों हमें जो रेड चिप है ना वो थोड़ी थोड़ी करके लगानी पड़ती है, जैसे 50 करके 60 करके। अगर आप सारी ही एक साथ लगा दोगे तो ये बूस्टर इतनी ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ा पाएगा। और ये हम टोकन कहाँ से खरीदते हैं, टोकन खरीदते हैं यहाँ डोनेट पे कर, यहाँ आप गोल्ड से टोकन खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी उन लोगों की जानकारी जो फ्यूचर फाइट गेम खेलते हैं पर वो इतना नहीं सही अपना गेम कर पाते
जितना कि करना चाहिए, उनको टायर टू कार्ड और CTP और यही रेड चिप, उनको इनके बारे में पता नहीं होता। तो दोस्तों ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है, और अगर आपको किसी और चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट मुझे ज़रूर करें। Yeah!